हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे हीट ट्रांसफ़र के लेक्चर 2 आ चुका है। हमने इसमें हम कवर करेंगे अपना फूरियर्स लॉ एंड हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इनके द्वारा। इससे पहली वीडियो में हमने कवर किया था ऑब्जेक्टिव एंड इट्स एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन क्या है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में भी हमने यही पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो अगर आपको पूछा जाता है हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, तो आपको जो हमने यहाँ पर पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तीनों को आपको एक साथ मतलब लिख देना है, कन्वेक्शन ये, फिर हमारा कन्वेक्शन और रेडिएशन और कंडक्शन, ये तीनों। लेकिन अगर एग्जाम में हमारा इस तरह से पूछता है किसी एक से कि हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन बताइए, तो आपको ये 5 नंबर में स्पेशली कंडक्शन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको ये थोड़ा ब्रीफ में डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। और हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन पूछता है तो ये भी डिटेल्स में, और हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन तो ये भी आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, मतलब 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनको ईजिली डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने अब तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, और आई बटन में भी, आप कहीं पर भी जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए हम देखते हैं इसका सेकंड, वो फूरियस लॉ देखते हैं। तो सबसे पहले हम फूरियस लॉ, ये हमारा है, वो हमारा रेट ऑफ कंडक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब जो हमने अभी कंडक्शन पढ़ा था, तो कंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो हीट है वो किसी मीडियम के द्वारा, और मीडियम हमारा मोस्टली सॉलिड है या फिर अगर लिक्विड है तो वो स्टेशनरी है। तो हम स्टेशनरी सॉलिड के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब जैसे ये हमारा कोई भी एक ब्लॉक है लोहे का, या किसी इसी का मान लेते हो, हमने यहाँ पे कोई गर्म किया इसको, हीट हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ से हीट हमारी प्रोवाइड होकर इस जगह पर ये हिस्सा भी हमारा गर्म हो गया, तो हमारी हीट ट्रांसफ़र हुई एक मीडियम के द्वारा। ये हमारा कोई भी ब्लॉक मान लेते हैं, एक हमारा लोहे का आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, तो ये हमारी हीट ट्रांसफ़र है। अब फूरियर लॉ इस पर क्या कहता है, तो फूरियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ बॉल फ्रॉम विच हीट ट्रांसफ़र। मतलब इसका ये है कि ये कहना चाहता है कि कोई भी जिस ब्लॉक से हम हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, इस चीज़ को हम इसमें मतलब कैलकुलेट करेंगे फूरियर्स लॉ के द्वारा कि किसी ब्लॉक से कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया है, ये हमारा एक ब्लॉक है कोई भी, इसकी ये विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है, वो इसकी कितनी है डी एक्स, हमने यहाँ पे ले ली है। जैसे हम अगर कोई भी ले लेते हैं, ये हमारा एक मार्कर है, अगर हम इस लोहे को ऐसे समझें तो ये यहाँ से हमको यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करनी है, इस जगह से इस जगह पे, तो इसकी ये जो लेंथ है इतनी है, ये हमारी क्या है, इसकी कितना चौड़ाई है इसकी, तो ये हमारी क्या है विड्थ, इसको हम ले लेते हैं डी एक्स, ये हमने यहाँ ले लिया। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट वर्ड आता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ भी ग्रेडियंट फर्क मतलब आ जाए, ग्रेडियंट वर्ड फार्मेसी बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस आपको वर्ड के मीनिंग पता होनी चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो ग्रेडियंट्स का मीनिंग हमारा होता है डिफरेंस। अब किसका डिफरेंस, तो हमारा ग्रेडियंट यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। और हमने पहले भी पढ़ा है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमारी हीट ट्रांसफ़र करती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी हीट जो है वो हमारी हाई टेम्परेचर, मतलब ये अगर हमारी दो ब्लॉक हैं कोई भी, और इसका टेम्परेचर 1 है, इसका टेम्परेचर 2 है, ठीक है, और हम हीट यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हीट हमारी इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी, और इसका मतलब है हमारा जो T1 है वो ग्रेटर देन है T2 से, मतलब हमारा T1 इस ब्लॉक का टेम्परेचर हमारा हाई है और इसका कम है इसके मुकाबले। तो यही है हीट टेम्परेचर ग्रेडियंट की टेम्परेचर में डिफरेंस, और हमारी हीट टेम्परेचर ग्रेडियंट के अनुसार करती है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये है तो ये जितना पतला होगा उतनी जल्दी तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे मैंने ये लिया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक हीट पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ले लूँ कि ये मेरे पास कोई एक पतली सी सीट है लोहे की, तो अगर मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा तो तुरंत ये वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्या है बहुत पतली सीट है, मतलब इसकी विड्थ बहुत कम है, और विड्थ जितनी कम हीट ट्रांसफ़र उतनी ज़्यादा। तो यही हमारा, इसलिए हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम इसको अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो हमारा क्या कहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसको हम क्यू मान लेते हैं, क्यू हमारा क्या है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया नॉर्मल, तो हमारा जो एरिया यहाँ पे है उसको हम ए लिख लेते हैं, मतलब इस पूरे ब्लॉक का जो हमारा एरिया है वो हमारा कितना है ए है, ठीक है। अब हमारा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट।
यानी कि डी टी मतलब हमारा टेम्परेचर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा, मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ये हमारा T1 से T2 की तरफ ट्रांसफर करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अब अगर हमारा T1 है, ये मान लो हमारा 100 डिग्री है एकदम, और ये हमारा 0 है, तो ये भी बहुत जल्दी, मतलब ये तो सिंपल इसी अगर बेसिक लॉ से समझें कि हम जितनी ज़्यादा आग देंगे वो उतनी जल्दी ही गर्म होगा। सही बात है, अगर हम जैसे गैस वगैरह होते, इंडक्शन लोगों ने चलाया होगा, गैस हम गर्म करते हैं, तो अगर हम दूध को गर्म कर रहे हैं तो अगर हम उसको 30 डिग्री पे गर्म करते हैं तो उसको गर्म होने में 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे, लेकिन हम वहीं उसको 200 डिग्री पे अगर गर्म करते हैं मिल्क को, तो वो 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में मतलब गर्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई कर दी, मतलब यहाँ पर जो हीट है वो 200 डिग्री है, यहाँ पर तो स्टार्टिंग में 0 ही होगी ना, तो मिल्क तो हमने ठंडा रखा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 0 से 200 डिग्री का डिफरेंस हो गया, इसलिए हीट बहुत जल्दी ट्रांसफर करेगी, मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में वो उतना ही जल्दी मतलब काम करेगा। कहते हैं ना टेम्परेंस मतलब टेम्प की ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी अगर हीट, तो उतना ही जल्दी वो हीट ट्रांसफर हो जाएगी, उतनी जल्दी कोई चीज़ गर्म हो जाएगी। ये है, अब मैं इस पे अगर थोड़ी सी लो मतलब मोमबत्ती वगैरह से अगर मैं इसको गर्म करूँ, तो जो कैंडल वगैरह से गर्म करता हूँ बहुत से लोग, लेकिन अगर मैं इसी को ही एक वो लेज़र लाइट वाला था बहुत गर्म वाला उसके करूँ, तुरंत ये पिघल जाए, क्यों, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी देगा, बहुत ज़्यादा हीट देगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतनी ही जल्दी हमारा क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हमारा हीट रेट ऑफ हीट जो हमारा ट्रांसफ़र है वो कितना है, डी टी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब हमने यहाँ डी टी क्यों लिया है, क्योंकि डी डी हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। यहाँ पे हम डी टी इज इक्वल टू कर सकते हैं T1 - T2, T1 हमारा ज़्यादा, T2 छोटा, तो कितना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा डी टी होगा, और जितना ज़्यादा डी टी होगा उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है, हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी एक्स की, मतलब जितना कम हमारा यहाँ पे विड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी रेट ऑफ, यानी कि ये हमारा जितना पतला होगा उतनी जल्दी हमारी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारा निकल के आता है ए डॉट डी टी, और ये हमारा इन्वर्सली में डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हमारा, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली की कांस्टेंट हटा के तब हम इसको लिखते हैं, तो हमारा ये सिंपल बन जाता है यहाँ पे कि हमारा जो हमने यहाँ पे अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा यहाँ पे निकल के आता है, देखिए क्यू इज इक्वल टू माइनस के फिर ए डॉट डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के क्यों आया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है कि माइनस के आखिर क्यों आया, तो माइनस के यहाँ पे इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है T1, यहाँ हमारा टेम्परेचर T2 है। अब T1 हमारा बड़ा है, T2 छोटा है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर यहाँ कम हो रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ पे, अगर हम यहाँ से यहाँ पे हीट थोड़ा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका 200 डिग्री है इस चीज़ का, इस पॉइंट पॉइंट पे 200 है, इस वाले पॉइंट पे 0 है, तो ये कुछ इसको देगा तो ये भी तो थोड़ा मतलब कम तो होगा ही ना, मतलब हाइयर कंसेंट हाइयर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए हम इसको निगेटिव में लेते हैं, मतलब हमारी जो हीट ट्रांसफ़र थी वो अगेंस्ट काम कर रही है, इसलिए हम इसको निगेटिव में लेते हैं। तो यही हमारा फूरियर्स लॉ है, फाइनली हमारा ये निकल के आता है आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका आगे, तो फ्यूरियस लॉ हमारा यहाँ पे हो चुका है, ये हमारा निकला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली, इसको कंबाइन किया ये निकला, माइनस के हमारा था मतलब कांस्टेंट था, और नेगेटिव साइन क्या होता है, क्योंकि ड्रॉप इन टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, मतलब हमारा टेम्परेचर था वो हाई से लो में गिर रहा था। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखेंगे हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों को हम समझते हैं कि आखिर कैसे हमारी हीट जो ट्रांसफ़र हो रही थी। ठीक है, तो कंडक्शन में हमने पहले भी पढ़ रखा है क्या है कि हमारा कोई सॉलिड के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये भी इस पे हमारा जो था हीट ट्रांसफ़र जो था हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा था, अभी हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब हमारी हीट जो डायरेक्ट करेगी वो हाई से लो की तरफ हमारी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, नाउ वी प्रोवाइड हीट एट वन, अब हम यहाँ पे करते क्या है कि हमने क्या है कि हम एक एंड पे हीट को क्या करेंगे ट्रांसफ़र, और वो दूसरे एंड पे हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब हमने यहाँ से, अब हम इसके माध्यम से समझते हैं एग्जांपल से कि आखिर हो क्या हो रहा है ये और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है एक सॉलिड मटेरियल है पूरा, और सॉलिड के अंदर के जो इंटर मॉलिकुलर पार्ट है, मतलब इंटर मॉलिकुलर पार्ट क्या है, सॉलिड है कि ये हमारा कोई ठोस है, और ये भी अगर हम इस प्लास्टिक को देखें ये भी थोड़ा मिल मिल के बना है ना किन्हीं चीज़ों से, इसके अंदर के मतलब अंदर के, हमने कोई सॉलिड के अंदर के पार्ट ले लिए इंटर मॉलिकुलर पार्ट,
अब हीट हमारी ट्रांसफर आखिर होती कैसे है और क्यों होती है। हमने पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो था हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसको हम देख चुके हैं, उसको याद रखना माइंड में, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमने इस जगह पे हीट हमने यहाँ अप्लाई की, हम इससे लिख लेते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे हीट हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब होगा क्या कि जैसे ही हीट इस चीज़ पे अप्लाई हुई, हमारे ये वाले जो हैं ये पार्टिकल हमारे गर्म होने लगेंगे, और ये हमारे गर्म होंगे, फिर ये क्या करेंगे आगे वाले जो हैं तो इनमें ना थोड़ा सा वाइब्रेशन आएगा। अब कोई चीज़ पे थोड़ा सा करंट अगर हम देंगे, हीट भी एक तरह से एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको जब थोड़ी एनर्जी मिली जो थोड़ा मतलब वाइब्रेट होगा, कॉलिजन होगा इसके अंदर, और ये क्या करेगा अपने आगे वाले से टकराएगा यहाँ पे, और इससे टकरा के इसकी हीट इसमें पहुँच जाएगी थोड़ी, नेक्स्ट फिर हम इसकी क्या करेंगे इसमें इसमें पहुँच जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा ये एक दूसरे से टकराते रहेंगे, और यहाँ से हीट कंटिन्यूस मिल रही है इसलिए ये हमारे आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारे एक एक करके एंड तक हमारी हीट यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो हमने यहाँ से चार मतलब इंटरमोलिकुलर वाले पार्ट उठा लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हीट अप्लाई की इस पर, अब हुआ क्या कि जब इसको हीट दी गई तो इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो गया। किसी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। अब क्या हुआ, ये जब हमारा गर्म हो गया, अब गर्म होने के बाद क्या करेगा, इसके मुकाबले इसका, ये हम दो ले लें तो इसमें तो ये गर्म है लेकिन इसका टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल डाउन है, क्योंकि अभी यहाँ पे हीट नहीं पहुँची। अब हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या कहता है कि हमारे हीट जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र करती है, इसका टेम्परेचर हाई है, समझते रहे ना फ्रेंड्स। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पुश करके थोड़ी देर पीछे करके देख लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछना, ठीक है, मैं उसको पर्सनली आपको बताऊंगा, जो भी कोई डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारी हीट क्या है, हाई है ना, अब यहाँ पे हमारी हीट क्या बिल्कुल लो है अभी, तो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारी हीट यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफ़र होने लग जाएगी, ठीक है। हमारी हीट यहाँ, अब जब यहाँ से हीट इस वाले पे भी पहुँच गई तो ये भी हमारा गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगेगा ना। अब फिर हमारा वही सेम केस इन दोनों के साथ आ जाएगा कि ये हमारा इसकी हीट मिल गई तो ये हमारा गर्म हो गया, और ये हमारा क्या है कम है अभी, तो हमारी यहाँ की हीट भी इस वाले से इस वाले पे पहुँचने लगेगी सेम। अब इस पे जब हीट पहुँच मिल जाएगी इस तीसरे वाले को तो ये भी हमारा गर्म हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जब इसका हो जाएगा तो ये भी इस वाले को दे देगा, और फिर इसका भी गर्म हो जाएगा, और ये भी गर्म हो जाएगा पार्टी का, ये भी आगे दे देगा। तो यही हमारी प्रोसेस चलती रहती है, और हमारा पूरा का पूरा पार्टिकल गर्म हो जाता है, यही हमारी हीट ट्रांसफ़र है। अब जो इससे और इसमें पहुंचा, ये हमारा किसके द्वारा पहुंचा, टेम्परेचर ग्रेडियंट के द्वारा पहुंचा, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस था तभी तो हुआ। अब जो हीट इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में पहुंची, उसकी जिसकी मदद से पहुंची उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, मतलब हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को यहाँ ड्राइविंग फोर्स की तरह मान लेते हैं, कि नाम दे दिया, मतलब हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट ना देखे कि ड्राइविंग फोर्स है। टेम्परेचर ग्रेडियंट तो रिस्पॉन्सिबल है हीट को यहाँ से पहुँचने के लिए, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक्चुअल में है, जो यहाँ से हीट को इस वाले पार्टिकल पर पहुँचा रही है, इस वाले पर और इससे इस पर, तो हमारा क्या है ड्राइविंग फोर्स है। अब हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या निकल के आता है, रेट ऑफ कंडक्शन, ये निकल के आता है कि हमारा ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पूरा बन के आता है। अब रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, इस चीज़ को हम समझते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत हीट तो एब्जर्व हो रही होगी ना, मतलब कुछ हीट का हमारा लॉस होता रहता है। मतलब जैसे ये है पूरा एक मार्ग हम समझ लेते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे तो हीट हमारी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, लेकिन कुछ ऐसी हीट है जो ऊपर बाहर भी निकल रही है ना, मतलब कंप्लीट हीट। जैसे अगर हम इसको 100 जूल एनर्जी अगर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, अगर हम इसको 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ एक दो जूल ऐसी होगी जो यहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये टोटल कवर नहीं है, है ना। तो यही हमारे जब हमने इसने लोहे की रॉड को हमने गर्म किया तो कुछ लोहे की रॉड ऊपर भी निकल जाती है। वही समझ लीजिए कि आपसे किसी ने कोई सामान मंगाया 100 किलो 150 किलो, और जब वो आया तो थोड़ा 100-150 ग्राम 200 ग्राम या 1-2 किलो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो साइड पे कहीं गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, यही सब है कि थोड़े बहुत इसी को हमने रेजिस्टेंस माना है, मतलब कि थोड़ी बहुत हीट जो है वो रुक रही है, और उस रेजिस्टेंस क्या, जितनी रेजिस्टेंस हमारी कम होगी, मतलब जितना कम फैलेगा उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, और जितना ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होगा उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ ट्रांसफ़र होगा। यही तो फॉर्मूला का मतलब, जो हमारा नीचे होता है अपॉन में होता है वो हमारा जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगी कोई चीज़, जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी कम होगी, यही तो है अपॉन में चीज़, और ड्राइविंग फोर्स जितना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड। अब हम समझते हैं कन्वेक्शन हमारा क्या होता है।
अब कन्वेक्शन क्या होता है कि इसको हम लिखेंगे कैसे कि इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच ऑकर मोस्टली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब ये हमारा मोस्टली लिक्विड और गैसेस में पाया जाता है। और इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारे इंटर मॉलिकुलर, जैसे ये पार्ट थे तो इसमें हमारा हुआ क्या था कि हीट पहले इसमें आई, फिर यहीं से हीट इसमें ट्रांसफर हो गई, यहीं से हीट हमारे इसमें ट्रांसफर हो गई। लेकिन कन्वेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। कन्वेक्शन के केस में क्या है कि जो हमारे मैटर है, मतलब एक्चुअल में जो हमारे इंटरमॉलिकुलर पार्ट है ना, ये ट्रांसफर कर लेते हैं अपनी पोजीशन को ही। मतलब जो यहाँ पे है वो पार्टिकल पीछे चला जाएगा, फिर यहाँ के जो मतलब ऊपर चलते चले जाएंगे। और ये हमारा मोस्टली लिक्विड और गैसेस में होता है। देख लेते हैं कैसे होता है कि हमने यहाँ एग्जाम्पल एक सेट किया, क्या किया हमने यहाँ पे वाटर ले लिया। अब वाटर के केस में हमने क्या किया, इसको हमने बॉयल किया, गर्म किया। अब हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी गौर करके देखें तो जब पानी को थोड़ा गर्म किया जाता है तो थोड़ा उसमें भी वाइब्रेशन होती है, मतलब उसमें भी थोड़ी बहुत हमें हरकत दिखती है कि थोड़ा बहुत ये हिल रहा है, बॉयल हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं, यहाँ पे लिख भी दिए मैंने नोट्स में, प्रॉपर लिखे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखे हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करनी है या ग्रुप से जाके डाउनलोड करनी है। तो जब हमने यहाँ पे हीट गर्म किया तो ये बॉटम पे जो हमारे मतलब नीचे जो हमारे ये पार्टिकल हैं, ये हमारे सबसे पहले गर्म हो गए यहाँ पे। तो ये हमारे गर्म होके क्या करते हैं, ऊपर की तरफ भागते हैं, अपवर्ड को। क्यों? क्योंकि ये हमारे नीचे पार्टिकल अब क्या होंगे, हल्के होके, ये गर्म होके क्या करते हैं, ये थोड़े लाइटली हो जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं। और जैसे ये थोड़े लाइटर होते हैं, ये हमारे पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और ये पार्टिकल जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो ऊपर पहले से हमारे कोल्ड पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनको भी तो कहीं जाना है। तो ये क्या करते हैं, नीचे से उन पे फोर्स लगाते हैं इन पे। मतलब वही हिसाब है कि जैसे हमारे पास ये दो मार्कर रखे हुए हैं और ये बारी बारी से अब क्या करेगा, नीचे वाला इसको मतलब फोर्स लगा रहा है कि हट हट हट, मेरी जगह से यहाँ से हट, मैं यहाँ पे आऊँगा। तो क्या करता है, ये यहाँ से हट जाता है, इसको फिर ये कहता है मैं क्या नहीं, तो ये वापस इसकी जगह आ जाता है। यही है, फिर इस पे भी थोड़ा यहाँ पे कोई प्रेशर इस पे पड़ा, इसने कहा अब ये दोबारा ऊपर आना चाहेगा, ये हट जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, ये आएगा। तो यही हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है इसमें कि नीचे हमारे जो हॉट वाटर हो जाता है बॉटम की वजह से वो ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर हमारा गर्म हो जाता है ये, और फिर ये ठंडा पानी है वो हमारा नीचे आ जाता है वापस, और ये नीचे आ जाता है, और नीचे आके क्या होगा यहाँ पे, ये फिर गर्म हो जाएगा और ये हमारा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऊपर चला गया ये गर्म। तो ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है, और एक एक करके जब हमारा पूरा पानी हमारा बॉयल हो जाता है और एक सिचुएशन आती है हमारा कम्प्लीटली वाटर बॉयल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद ये हमारा यहाँ से एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 100 जब तक ये पानी पूरा गर्म नहीं हो जाता तब तक हमारी कन्वेक्शन प्रोसेस, मतलब आप समझिए आपकी हमारा जो पानी गर्म होता है वो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा गर्म होता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी कन्वेक्शन हो गई। अब हम देख लेते हैं अपनी रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है जल्दी से, तो रेडिएशन ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वे है हमारी हीट ट्रांसफ़र करने को। इसको हम लिखेंगे कैसे कि इट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट आल्सो इन वैक्यूम। मतलब इसमें हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम आल्सो वैक्यूम वगैरह जहाँ पे मतलब एयर तक नहीं होती है उसमें भी हम इसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें फिर यूज क्या करते हैं हम, अगर वैक्यूम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो चीज़, तो इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बिच ट्रांसफर हीट पंप वन प्लेन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट वेव्स वगैरह होती हैं, मतलब हम रेडिएशन से तो पूरे अपनी पूरी लाइफ में घिरे हुए हैं, है ना, पूरे कवर हैं हम चारों तरफ। हमारी मोबाइल है, मोबाइल भी क्या करते हैं रेडिएशन वगैरह ही तो छोड़ती हैं, तो हम इनसे तो पूरे कवर हैं अच्छी तरह से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम इसका समझें तो हमारा क्या है, सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी। अब वो करती क्या है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल एक समझें तो ये हमारा क्या है, एक हमने बाहर कोई प्लेट वगैरह में पानी भर के रख दिया। अब अगर हम 1 घंटे 2 घंटे बाद देखेंगे ये पानी थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर हम अगले दिन देखते हैं या कुछ और ज़्यादा लेंथ टाइम के बाद, तो ये पानी हमारा पूरा गायब हो जाता है। होता क्या है, ये एवोपरेट हो जाता है, मतलब वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है ना, कपड़े वगैरह भी इसी प्रोसेस से सूखते हैं। अब इसमें हुआ क्या, हमने तो इस पानी को ना हमने गर्म किया, हमने कपड़ों पे कोई हीट तो दी नहीं, ना कपड़ों को हमने आग दी गर्म, कुछ तो किया नहीं ना। हुआ क्या, वो हुआ हमारे सूर्य सन की रोशनी। तो सन ने किया क्या, हमारे यहाँ से इसने रेडिएशन दी, यहाँ से इसने क्या किया है रेडिएशन, और रेडिएशन ने क्या किया इस पानी को हीट किया। यानी कि रेडिएशन भी क्या है, एक हमारी हीट की मतलब फॉर्म है, हीट का एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है और हमारे यहाँ एवोपरेट होकर ये निकल जाती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारी ये रेडिएशन है ये मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मोस्ट पोटेंट मेथड है,
मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, क्योंकि इसी के द्वारा आजकल सारा कुछ हो रहा है। हमारी जो भी जितनी लेज़र लाइटें हैं और भी चीज़ें हैं, रेडिएशन जैसे मोबाइल की किरणें, ये भी क्या कर रही हैं, वायरलेस है, वाईफाई है। तो ये क्या है, हमारे बिना किसी मीडियम के, हमारे एक चीज़ से हम बिना हम वायर के, वाईफाई क्या है, वायरलेस, हम बिना वायर के एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान भेज रहे हैं ना। कुछ तो हीट इसमें भी अप्लाई हो रही है। किसके द्वारा हो रही है, ये रेडिएशन के द्वारा हो रही है, मतलब कुछ नहीं है बीच में। तो यही हमारी रेडिएशन है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हीट इंटरचेंज और हीट एक्सचेंजर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी थोड़ा प्रॉफिट मिले। और चैनल को आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो ईजिली मिल जाए, और प्रीवियस वीडियो की आप अच्छे से देख लेना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।